हेलो दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बिल्कुल अलग है। व्हाट्सएप पे है कि जो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करते हैं वो सेफ है कि नहीं। वीडियो कॉलिंग हुआ, टेक्स्ट मैसेज हुआ, ऑडियो मैसेज हुआ, या फिर इमेजेज हुए, या फिर वीडियोज हुआ, जो भी हमारा दूसरे के साथ कन्वर्सेशन होता है वो क्या सेफ है कि नहीं, आज इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। व्हाट्सएप की जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी आई है उसमें स्पष्ट कर दिया है, यह मार्च अप्रैल में यह पॉलिसी आई थी, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आप देख सकते हैं यह व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी है, क्या है इसमें लिखा हुआ वो देख सकते हैं। वी कांट रीड और लिसन योर पर्सनल कन्वर्सेशन, इसमें क्लियर कर दिया है कि व्हाट्सएप न ही आपका डेटा रीड करता है, न ही टेक्स्ट मैसेज रीड करता है, या वो उसको लिसन करता है जो आपके ऑडियो होते हैं या वीडियो होते हैं या कोई टेक्स्ट मैसेज। और आगे लिखा है एज दे आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, क्लियर है, यानी कि यहाँ वो बिल्कुल क्लियर है कि व्हाट्सएप नहीं आपके डेटा को रीड करता है जो आपने अपने फ्रेंड्स को कलीग्स को सेंड किया है, और न ही उसको लिसन करता है जो भी आपका पर्सनल कन्वर्सेशन है आपके और आपके फ्रेंड के बीच में। अब यह कैसे यह सिक्योरिटी फीचर इसके अंदर एस्टेब्लिश किया गया, उसमें एक फीचर है उसका नाम है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। यह क्या होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए कि यह कैसे वर्क करता है और पर्सनल कन्वर्सेशन को यह रीड करना चाहता भी तो नहीं कर पाता कैसे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, व्हाट्सएप आपके डेटा को रीड नहीं करता है, लिसन नहीं करता है, वो बिल्कुल क्या है सिक्योर है, क्लियर। और एक और चीज नीचे इन्होंने क्लियर कर दिया है, आप देख सकते हैं इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन व्हाट वी आर चेंजिंग, और इसने ये भी बता दिया कि इन फ्यूचर अगर कुछ चेंजेज भी होते हैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर। तो व्हाट्सएप की तरफ बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लियर कट मैसेज यहाँ पे है कि वह डेटा को रीड नहीं करता है, आपके पर्सनल कन्वर्सेशन को रीड नहीं करता। अब पॉइंट यह है कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है क्या, कैसे यह वर्क करता है, जिसको हम देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड टू एंड इनक्रिप्शन। सबसे पहले समझिए इनक्रिप्शन होता क्या है। इनक्रिप्शन का मतलब होता है जो भी मेरे पास है कोई प्लेन टेस्ट है, फॉर एग्जांपल कोई प्लेन टेस्ट, प्लेन टेस्ट का मतलब होता है कोई भी जो टेस्ट हमें लिखा जाए लाइक हाय, यह समझिए एक यूजर है, इसने राइट किया हाय अपने व्हाट्सएप से अकाउंट से, क्या राइट किया हाय, तो यह प्लेन टेस्ट है, इसको मनुष्य पढ़ सकता है। तो यह प्लेन टेस्ट को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, साइफर टेस्ट। साइफर टेस्ट क्या होता है, अनरीडेबल फॉर्म होता है जिसे मनुष्य पढ़ नहीं सकता, ऐसा कोडिंग होगा जिसे मनुष्य पढ़ नहीं सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं साइफर टेस्ट। तो यहां पर जो इंक्रिप्शन यह प्रोसेस आपको दिख रहा है, इंक्रिप्शन वह कुछ नहीं है, वह क्या है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें प्लेन टेस्ट को हम किसमें कन्वर्ट कर दिए साइफर टेस्ट, या ऐसे बोल सकते हो कि जिसे हम पढ़ सकते हैं उसको एक कोड में कन्वर्ट कर देंगे, उसे हम क्या बोलेंगे इंक्रिप्शन, समझ में आ रही बात। और जैसे ही इंक्रिप्शन होता है तो उसमें केवल डेटा नहीं, हाई को ही कोड में नहीं कन्वर्ट किया जाता, उसमें एक की यूज किया जाता है, की चाहे वह पब्लिक की हो या फिर प्राइवेट की, क्लियर।
पब्लिक की हो या फिर प्राइवेट की, इसका यूज करके हम उस मैसेज को जो यह प्लेन टेक्स्ट उसको मैसेज को हम लॉक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं। और जैसे ही यह रिसीवर तक पहुंचेगा तो उसने क्या किया, जो की यानी जो चाबी से लॉक हुआ डेटा वह चाबी यहां पे वह यूज करेगा, प्राइवेट की हो सकता है और पब्लिक की हो सकता है, ठीक है। तो मैसेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और जो डेटा उन्होंने सेंड किया था हाय सेंडर ने, वो यहां क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। तो यह क्या है, इंक्रिप्शन है। अगर मान लीजिए कि बीच में या कम्युनिकेशन चैनल के बीच में कोई डेटा थर्ड पार्टी अनऑथोराइज यूजर एक्सेस भी कर लेता है तो उसको ओपन करके नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास की ही नहीं है, चाबी ही नहीं है, तो उस डेटा को ओपन नहीं कर सकता। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब है कि डेटा सेंडर से रिसीवर तक सिक्योर यानी कोडेड फॉर्म में जा रहा, सिक्योर होके जा रहा, क्लियर। उसमें एक की का यूज करते हैं जिससे डेटा को हम क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं। और जब इंक्रिप्शन होता है तो इसमें कुछ एल्गोरिथम यूज होते हैं, जैसे MD5 एल्गोरिथम, मैसेज डाइजेस्ट 5 एल्गोरिथम, न्यू एक आ गया है SHA-1 एल्गोरिथम, या टेक्निकल टर्म में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर वीडियो कॉलिंग करिए, ऑडियो कॉलिंग करिए, टेक्स्ट मैसेज सेंड करिए, वीडियो सेंड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके मैसेज क्या है, बिल्कुल सिक्योर, क्लियर। प्लेन टेस्ट को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, साइफर टेस्ट में की का यूज करके, देन वो डेटा क्या हो जाएगा, कोडेड फॉर्म हो जाएगा, साइफर टेस्ट हो जाएगा। साइफर टेस्ट का मतलब जिसे मनुष्य नहीं पढ़ सकता है और रिसीवर तक जाएगा तो की लगाएगा, अपना प्राइवेट की लगाए या पब्लिक की लगाए तो मैसेज ओपन हो जाएगा, उसको ओरिजिनल फॉर्म में डेटा मिल जाएगा, क्लियर। अगर कोई हैकर या क्रैकर बीच में हैक भी करता है तो उसके पास की न होने की वजह से वो डेटा को रीड नहीं कर सकता, क्लियर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी क्या है और यह कैसे वर्क करता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन कैसे वर्क करता है, ओके। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, नॉलेज वाला लगा हो, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।